आपने अगरबत्ती की मोमबत्ती लगा ली है? ठीक हाँ लगा दिए। है, चलिए अभी आप हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ के जिस प्रकार मैं सब बोलिए, ठीक है, बोलिए अरहं अरहं सम्मा सम्मा संबुद्धो भवा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवंतं बुद्धं भगवंतं अभिवादयेमि अभिवादयेमि स्वाख्यातो भगवता स्वाक्खातो भगवता धम्मो धम्मं धम्मो धम्मं नमस्सामि। नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो श्रावक संघो संघं संगं नमामि। नमामि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारत्रयेण ओकाश वंदामि वंते मय्याकतं द्वारत्रयेण मय्या कृतं सर्वं अपराधं सब अपराधं कमतु खमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि मे बन्ते तृतीयम्पि भन्ते तृतीयम्पि बन्ते अमारे काया वाचा मन हमारे काया वाचा मन से द्वारा जो भी अपराध जो भी अपराध हुए होंगे अनुकंपा करके क्षमा करें। हुए होंगे अनुकंपा करके क्षमा करें। ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन ओकाश अहंग बनते सह त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा अनुग्रहं कत्वा शीलं देथमे भन्ते। द्वितीयम्पि शीलं देतमे बनते तृतीयम्पि द्वितीयमपि तृतीयमपि भन्ते हमें अवकाश दीजिए बनते हमें अवकाश दीजिए ती शर्म के साथ पंचशील और धम्म की याचना करते हैं। त्रिशरण के साथ पंचशील और धम्म की याचना करते हैं। यं अहं वदामि तं वदेथ आम बनते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 3 बार बोलिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरमेरय मज्जपमादठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि सूरा मेरे मज्जो पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 तीसरणेन संधि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अप्रमादेन शील संपादितव्यो। आम बनते साधु 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 हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे। बोलिए भंते विपत्ति बनते विपत्ति पट विहाय सर्व पटि बहाय समापत्ति सिद्धिया संपत्ति सिद्धिया सर्व रोग विनाशाय रोगो विनाशाय भविष्य भवे दीर्घायुदायकं दीर्घायुदायक सर्व दुःख विनाशाय
दुख विनाशाय भवे निब्बान सन्ति के भवे निब्बान सन्ति के अन्ते चित्तम उजु करित्वानं पंते करित्वानं परितं वृत्थमंगलं परितं वृत्थमंगलं उपियंपि ततियंपि द्वितीयंपि ततीयंपि साधु साधु साधु। हाल के बैठे रहेंगे। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता स धम्मं मुनिराजस सुनन्तु स गमोकदं धम्म श्रवन् कालो अयं भदन्त धम्म श्रवन् कालो अयं भदन्त हरितं श्रवन् कालो अयं भदन्त। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ये सन्ता सन्तचित्ताति शरणं शरण एथलोकन्तरेवा भुम्मा भुम्मा च देवा गुणगणगहन व्यावट सर्वकालं एते आयन्तु देवा वरकनकमयि मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तो सहेतु मुनिवर वचन सोतु मग्गं समगा इति पीसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुतरो पुरिषदं सारति सता देवमनुसानं बुद्धो भगवाति स्वाकातो भगवता धम्म सन्देटिको वकालिको एहि पासिकोपनायिको पाशतं वेदितब्बु वियुहिते सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्वारि पुरिषयुगानि अष्टपुरिषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दखनेयो अञ्जलि करणीयो अनुतरं पुय्यं खेतं लोकसाथी मायधम्मानुधम्म पटिपत्य बुद्धं पूजेमि धम्मं पूजे मे संगं पूजेमि शासनं सञ्च लोकं स बुद्धि भवतु स बद शासनं विञ्च लोकं च धीवरकन्तु स बद सन्धिहन्तो सुखी सभे परिवारे हि यातनो अनिघा सुमना हन्तु सह सभे हि ज्ञातिविराजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा मनुष्यतो वा गीत तो वा उदकतो वा पिशाचतो वा खानुगतो वा कंठगतो वा नाकततो वा जनपदरोगतो वा असधम्मतो वा असंदीटितो वा असपुरिषतो वा चण्डहति असमीग गोनकुकुर अही वेचिका मनीषा पदीपीया च तरच सुकर महिष यकर कसाहिनी नाना भयतो नाना रोगतो वा नाना उपगवतो वा सभीयार कंगन हन्तु एतेन सज्जवज्जेन सोथिते होतु सबदा एतेन सज्जवज्जेन भवतु ते जय मंगलंति अनिमित्त अन्यन्यातं माचनं इद जीवितं कसीरंच परितंच तंच दुखेन सयुतं नहि सो उपकम्मि आत्येन जातान मीयरे जरं पीपत वामरन एवं धम्माहि पानिनो फलानमीव पकानं पातु पातनंतो भयं एवं जातान माचनं नीच
मरनन्तो भये यथापि कुम्भकारस्य कतमातीकभाजना स विभेदन पर्यायन्त एवं मचान जीवितं गहरा च महन्ता च इबालाय पंडित सभ्ये मचुव संयन्ति सभ्ये मचुव संयन्ति सभ्ये मचु परायण ते संमचु परेतानं गच्छत परलोकतो न पिता तायतं पोते ज्ञातिवापन ज्ञातकेऽपि कथं येव ज्ञातिन पश्चलालपतं पुतु एकमेको च मचनं गोवज्जो वियनीयति एवं भाहतो लोको माचुना वज्राय जात समाधीरा न शोचन्ति विदित्वा लोकपरियायं यस्समग्रं न जानासि आगतस्स गतस्स वा उभो अन्ते असंपंसं निरर्थं परिदेवसि परिदेवयमानो चेकिञ्चिदत्त उदब्बहे समूढो हिंसमत्तन कैराचेन विचकनो न हीरुन्नेन शोकेन सन्ति पप्पोति चेतसु भित्यसु पज्जति दुःखं शरीरं जपयति किशो विवन्नो भवति हि समत्तानमत्तन तेन पीता पालिन्ति निरर्था परिदेवना शोकमपजहं जन्तु धियो दुःखं निगच्छति अनुतन्तो कालकत्तं शोकस्स वस्वङ्गु अयं विपासगमिने यथा कम्मोपगे नरे माचनो वा समागम पन्दन्ते विधपानिनो येन येन हि मय्यन्ति ततो तं होति यत एतदिस्सो विना भावोपसलोकस्य पर्यायं अपि च वस सन्तं जीवे धियो वपन मानवो ज्ञातिसङ्गा विना होति जहाति इद जीवितं तस्सारहतो सुतव विनय्या परिदेव वितं पीतं कालकतं दिश्वा न सोलम्भामया इति यथा शरणं वादितं वारिना परिनिभये एवं पिधीरो सपय्य पंडितो कुशलो नरो क्षिपमुपतीतं शोकं वातु तुल्यं वधंसे परिदेव पज्ज पंच धूमनस च अतनो वातनो सुखमेशानु अभये सल्लमत्तनो अबुढः सल्लो असितो सन्ति पप्पूय चे तसो सब्बशोकं अतीकन्तो अशोको होति निभूतोति एतेन सज्ज वज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सज्ज वज्जेन भवतु ते जय मङ्गलं तीसिया कुशलं धम्मं पठिच कुशलो धम्म उपजेय हेतु पचय कुशलं धम्मं पठिच कुशलो धम्म उपजति हेतु पचय कुशलं एककन्दं पठिच तयो कन्दा तयो खंदे पटी चेको खंदो द्वे खंदे पटी च द्वे खंदा सिया कुशलं धम्मं पटी च अकुशलो धम्म उपजय हेतु पचया कुशलं धम्मं पटी च अकुशलो धम्म उपजति हेतु पचया कुशलं एक खंदं पटी च तयो खंदा तयो खंदे पटी च एको खंदो द्वे खंदे पटी च द्वे खंदा सिया अभ्यागतं धम्म पटी च अभ्यागतो धम्म उपजय हेतु पचया अभ्याकतं धम्म पटी च अभ्याकतो धम्म उपजति हेतु पचया अभ्याकतं एककंदं पटी च तयो खंद तयो खंदे पटी च एको खंदो द्वे खंदा पटी च द्वे खंद हेतु पचयो आरमन पचयो अधिपति पचयो अनंतर पचयो समनंतर पचयो सहजात पचयो वैयमय पचयो निशय पचयो उपनिशय पचयो भुरे जात पचयो पच्च जात पचयो आसेवन पचयो कम्म पचयो विपाक पचयो आहार पचयो इंद्रिय पचयो मज्जान पचयो मग्ग पचयो संपयुत्त पचयो विपयुत्त पचयो वत्ति पचयो नाति पचयो विगत पचयो अविगत पचयो अति तथा अविज्ञा पचया संकारा संकार पचया विज्ञान विज्ञानं पचया नाम
नामरूपं नामरूपपचया षडायतनं षडायतनपचयापस्सु पस्सपचया वेदना वेदनापचया तन्हा तन्हापचया उपादान उपादानपचया भौव भौवपचया जाति जातिपचया जरामरणं शोकपरिदेव दुःखदोमनं सुपायास दुःखदोमनञ्जुपायास सम्भवन्ति इवमेतस्स केवलस्स दुःखकन्दस्स समुदयो होति सकत्वा बुद्धरत्नो सदमुत्तमं वरं हितं देवमनुस्सानं बुद्धतेजेन सुतिना नस्सन्धुपद्धवासभ्य दुःखाभुपशमिन्तु ते सकत्वा धम्मरत्नो सदमुत्तमं वरं परिलाहूपशमनं धम्मतेजेन सुतिना नस्सन्धुपद्धवासभ्ये भियाभुपशमिन्तु ते सकत्वा संगरतनो सदं उत्तमं वरं आहुनेय पाहुनेय संगतेजेन सोतिन नसंदुपद्धवा शब्दे रोगा उपशमिन्तु ते यंकिंचि रतनं लोके विज्जति विविधा कुतो रतनं बुद्ध समानति रतनं धम्म समानति रतनं संग समानति तस्मा सूते भवन्तु ते नत्ति मे शरणं नै बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सज्ज वज्जेन सूति ते होतु सर्वदा नत्ति मे शरणं अय्ये धम्मो मे शरणं वरं एतेन सज्ज वज्जेन भवतु ते जय मंगल नत्ति मे शरणं अय्यं संगो मे शरणं वरं एतेन सज्ज वज्जेन भवतु ते जय मंगल दुःखपत्ता च नी दुःखा भयपत्ता च नी भया शोकपत्ता च नि शोका हुन्दु सब्बे विपानिनो वेतावता च मेहि सब्बतं कुय्य सम्पद सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु सद्दायं शिलं रक्षन्तु सब्बद भावना भीरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चकानं च यं बलं अर्हन्तानं च तेजेन रक्खं बन्धामि सब्बसु आकाशटा च भूमट्टा देवा नागा महिंदिका पुय्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्खन्तु बुद्ध शासनं चिरं रक्खन्तु धम्म देशनं चिरं रक्खन्तु संगत्वं करन्ति सब्बीतियो विभजन्तु सब्बरोगो विनस्सतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादन शीलस्स नित्यं उद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलंति साधु साधु साधु। आप एक कलश पानी ले लिया आपने? हाँ मैंने एक कलश पानी ले लिया। परात है पास में? हाँ परात है। ठीक है। चिट्ठी पे नाम लिख दीजिए उनका। चिट्ठी पे नाम लिखे जला लिया? एक कागज पे नाम अभी लिख। आपने जो दान किया, हाँ लिखा अभी, पहले सबसे पहले तो आपने जो दान किया है ना उस दान को याद कीजिए। याद करते हुए इस प्रकार से उस दान के प्रति सोचिए कि मैंने जो पुण्य किया है, जो दान किया, और अभी जो मैंने सुत्त चैंटिंग किया, भगवान की वाणी का स्मरण किया, यह जो मैंने से जो पुण्य अर्जन किया वह पुण्य मेरे ज्ञातियों को जाके मिले, इस पुण्य से उनकी सदगति हो, जो भी दुख है, जिस प्रकार का जो भी उनको तकलीफ है वो दूर हो। और इस प्रकार से याद कीजिए कि जो आपने दान किया है वह दान मैंने शिविर के लिए, भोजन के लिए और जल के लिए दान किया। इस प्रकार से याद कीजिए, जो आपने दान किया उस दान के प्रति ऐसा स्मरण कीजिए कि वह दान मैंने चिवर के लिए, भोजन के लिए और जल के लिए किया है। जिस प्रकार से मैंने यह दान चिवर के लिए, भोजन के लिए और जल के लिए किया, उसी प्रकार इसी पुण्य से जो मेरे परलोक सुधारे जो ज्ञाति है उनको भी ये सब प्राप्त हो। अब चिट्ठी जला दीजिए उस परात में, हाँ उनके नाम की। जला दी वो चिट्ठी। अब पूरी जलने दीजिए।
जल गई पूरी। हाँ पूरी जल गई। अब उसपे धीमे धीमे धार से पानी छोड़िए और मेरे हाँ पीछे बोलते जाइए, ठीक है? ठीक है। संसार वठ दुख संसार वच्छ तो मोचनाथ, दुख तो मोचनाथाय इमानी पंचशीलानि इमानी पंचशीलानि समादयित्वा मम समादहित्वा मम परलोकागतस्य, परलोकागतस्य नाम लीजिए, नामदेव जन के उद्देशेन उद्देश्य न इदं वत्थ इदं वत्त तथादान उत्थानि इतादान उत्थानी संधिपिण्डदानं संधिपिंडदानं भिक्षुस्य देमं भिक्कुस्स देमं अमहं कालकतानं अहं कालकतानं ज्ञातिनं पज्जथाय इमं नैतिनं पच्चथाय भिक्खं स परिखारं इमं कस पट्टिकारं भिक्षुस्य देमं भिक्कुस्स देमं इदं नो इदं नो ज्ञातिनं हन्तु नैतिनं बन्तो सुखिता हन्तु ज्ञातयो, सिकुता हुन्तु ज्ञातयो इदं नो इदं नो ज्ञातिनं हन्तु नैतिनं हुन्तु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, सुखिता हुन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं हन्तु इदं नो ज्ञातिनं हुन्तु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। सुखिता हुन्तु ज्ञातयो उन्नमे उदकवट्टं उन्नमे उदकवट्टं यथा निन्नं पवत्तति यथा निन्नं पवत्तति एवमेव इतो दिन्नं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति, ते दानं पकंपते यथा वरिवाह पुरा यथावती वाहा पुरा परिपूरयन्ति सागरं परितोयति सागरं एवमेव इतो दिन्नं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति। पेतानं उपकंपति अनिच्छावत संखारा अच्छावद संकारा उपादवय धम्मिनो उपादवय धम्मिनो उपज्जित्वा निरोजन्ति उपजित्वा निरुचन्ति तेषां उपसमोऽसुः। ते संग उपसमो सुखो साधु साधु। साधु साधु। हाथ जुड़ के बैठे रहे। इच्छितं पचितं तुम्मं किप्पमेव समीजतु सभ्ये पुरेन्तु चित्तसङ्गपा छन्दोपन्नरसो यथा मने ज्योतिरसो यथा अभिवादनशीलस्य नित्यं मुद्रापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। साधु साधु सा 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 इस संसार का सत्य जिसे मृत्यु कहते हैं, मृत्यु अर्थात अपने प्रिय लोगों को छोड़ के जाना, अपने प्रिय वस्तु को छोड़ के जाना, शरीर में श्वास प्राणों का ना होना, यह सब मृत्यु के अंदर में आ जाता है। पर मृत्यु को स्मरण बहुत कम लोग करते हैं, इस प्रकार से कि मेरी कभी ना कभी मृत्यु होंगी, मेरी भी मृत्यु होंगी, मैं भी ये सब छोड़ के जाने वाला हूँ, इस प्रकार का स्मरण कोई नहीं करता। और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार दो बातों का हमेशा व्यक्ति ने स्मरण करते रहना चाहिए, दो बातें व्यक्ति ने हमेशा मन में लाते रहनी चाहिए। आश्चर्य बात है कि हमें लगता है कि भगवान की शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए, पर हमारे मन में ये विचार आना चाहिए कि भगवान के हिसाब से इसी कौन सी बात है जो व्यक्ति ने सतत स्मरण करते रहना चाहिए, सतत मन में लाते रहना चाहिए। सरल सी बात है, एक बार छोटा सा नवजात शिशु होता है तो वो हमेशा
जो नवजात होता है या 2 महीने का 3 महीने का 1 साल का होता है, वो हमेशा अपनी पास अपनी माँ के पास रहना चाहेगा, हमेशा अपनी माँ को स्मरण करता रहेगा, अपनी माँ को लिरोता रहेगा। जैसा फिर बच्चा बड़ा होते जाता है तो व्यक्ति बच्चा खिलौने के लिए प्रयास करता है, मनपसंद चीज के लिए बार बार उसको मन में लाते रहता है। फिर जैसे युवा होते जाता है तो पैसों के लिए या अलग अलग बातों का मन में स्मरण लाते रहता है। जब कोई माँ बनती है तो माँ अपने बेटे को लेके बार बार स्मरण करती, कहीं भी जाएंगी, बाहर भी चले जाएंगी, कहीं घूमने चले जाएंगे तो बार बार बच्चों के बारे में मन में चलते रहता है। पर एक साधारण एक मानव होने के कारण, एक ऐसा मानव जो दुख से अछूता, मतलब दुख से छूट ही नहीं सकता, चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, कितना भी उसके पास सुख क्यों ना प्राप्त कर ले, कितने बड़ा सुख, कितनी बड़ी आनंदमय घटना सब घटित क्यों ना हो जाए, पर एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, आनंदमय घटना कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितनी बड़ी खुशखबरी क्यों ना हो, पर वो बड़ी से बड़ी खुशखबरी भी एक समय तक ही लगेगी खुशखबरी, बाद में फिर वो भी दुख का कारण हो ही जाती है। तो हम देखते हैं कि दुख कैसा भी हो, दुख कितना भी हो, पर दुख है। तो ऐसे जीवन में जो किसी से भी कुछ भी क्यों ना हासिल कर ले पर दुख से नहीं बच सकता, तो ऐसे व्यक्ति ने अपने मन में किन बातों को बार बार लाना चाहिए, जो हमेशा मृत्यु, जिसके ऊपर हमेशा मृत्यु की तलवार टंगी हुई है इससे गर्दन पे, ऐसे व्यक्ति ने किन बातों का स्मरण करते रहना चाहिए समय समय पर, यह प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए कि मैं क्या बातें लाते रहूं मन में बार बार। देखो, पैसों को लेकर बातें मन में आ जाती है, उसे बोलना नहीं पड़ता है, उसके बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती है कि यार मैं पैसे के बारे में क्यों ना सोच रहा हूँ, बराबर सोच लेंगे व्यक्ति उस बारे में। अगर उसको बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में बराबर सोच लेंगे, है ना, तो घर के बारे में बराबर अपने आप मन में आ जाता है। पर इसके अलावा ये सारी बातें समय समय के हिसाब से मेरे मन में आते तो रहती है, पर मैंने किन बातों को मन में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, तो बुद्ध के शिक्षा के अनुसार 2 बातें हैं। एक तो सबसे पहली बात कि मंगल कामना, दूसरों के प्रति किस प्रकार में मंगल कामनाएं अपने मन में बार बार उत्पन्न करते रहो। देखो, अपने बेटे के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, अपने परिवार के प्रति, जिससे हमें, जो हमें व्यक्ति पसंद है उस व्यक्ति के प्रति मंगल कामना करना आसान है, और हर उस सत्व के प्रति जिस सत्व को मैं देख रहा हूं, जिस सत्व को मैंने नहीं देखा, जिस व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, जिस व्यक्ति को मैंने नहीं देखा, जिनके साथ मैं रहता हूँ, जिनके साथ मैं नहीं रहता, है ना, हर उस सत्व के प्रति इस प्रकार ऐसा मंगल भाव रखना कि मेरे कारण किसी का भी अहित ना हो। ऐसी बातें मन में लाता रहना भगवान बुद्ध कहते हैं, या बुद्ध की शिक्षा के अनुसार ऐसा व्यक्ति कभी भी लंबे समय के लिए दुखी नहीं रह सकता। कभी भी कोई लंबे समय के लिए उसको क्या हो सकती है, दुख तकलीफें परेशान नहीं कर सकती। कैसे करेंगे, क्योंकि किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार का तकलीफ आपको अगर हो रही है तो उसका एकमात्र कारण है कि वैसा विचार आपके मन में अभी है, इस क्षण है, और एक समय एक ही विचार होने के कारण अभी आपको तय करना है कि आपको किस प्रकार का विचार आपके मन में स्थान देना है। तो इसलिए पहला प्रयास ये होना चाहिए कि आप कभी भी ऐसे विचारों को स्थान न देते हुए मैत्री युक्त विचारों को मन में स्थान दें। दूसरा विचार जो भगवान कहते हैं, मृत्यु का विचार, कि हमारे मन में हमेशा इस बात का स्मरण रहे कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, किसी भी क्षण हो सकती है। तो मैं जो जो चीज जमा कर रहा हूं, जिस चीज में अपना कह रहा हूं, वो सभी तो मुझे छोड़ के जाना है। एक भी चीज को जिसे आप अपना कह सकते हैं या अपना कहते हैं, उस चीज को आप अपने साथ बिल्कुल भी नहीं ले जा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी आपको ये प्रश्न क्यों नहीं उत्पन्न होता है, फिर भी आपको इन बातों पे आश्चर्य क्यों नहीं उत्पन्न होता है कि मैं किसके लिए जमा कर रहा हूं, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। देखिए, आपके खुद के घर में एक बार ध्यान से, अच्छे योनिसो मनसिकार से एक बार अपनी छोटी सी रूम को ही पूरी अपनी गर्दन घुमा के जरा देखिए, अपने रूम में हर एक जो चीज होंगी जो आपने खरीद के लाए है ना, या जो आपने उसे अच्छे से रखा है, हर एक उस चीज को जरा देखिए तो सही, और सोचिए हर एक चीज के प्रति
उस हर एक चीज को आपने वहां पे रखने के लिए या खरीदने के लिए या लाने के लिए क्या कोई ना कोई प्रयास नहीं किया? अपना पैसा खर्च नहीं किया? अपना समय उस पे लगाया नहीं? आज भी उसको साफ करने के लिए, देखभाल करने के लिए आप कितना मेहनत करते हैं, और आज भी वो चीज टूट गई, छूट गई, भूल गई, कोई ले गया या चोरी हो गई, तो क्या आपको दुख नहीं होगा? क्या आपको उसकी चिंता नहीं है? पर क्या ये सारी बातें सही में मन में लाने योग्य है इस वस्तु के प्रति? क्योंकि मेरे पास तो नहीं रहेंगी, मुझे सभी कुछ छोड़ के जाना है, तो मेरे जो प्रयास, चाहे वो धन से हो, मन से हो, शरीर से हो, किसी प्रकार का भी समय से हो, कई प्रयास सही में वैसे प्रयास करने योग्य? ऐसा आश्चर्य, ऐसे प्रश्न दोनों तभी आपको उत्पन्न होंगे उस वस्तु को लेके या अपने घर को लेके, जब आप क्या मरणानुपश्यन, अर्थात आप अपनी मृत्यु का स्मरण करेंगे कि मेरी भी मृत्यु कभी ना कभी होना है। इसका स्मरण अगर व्यक्ति को हो ना, तो जो कुछ वो कमा रहा है, जो कुछ उसके पास है, उसका सदुपयोग करना शुरू करेंगे, या जो भी कुछ, जो भी क्षण उसके पास, उसको लगेगा कि ये क्षण, ये प्रेजेंट मोमेंट मैं किस प्रकार से अच्छा बिता सकता हूँ, यह वो सोचेगा। तब अपने आप जो जो चीजें वो कर रहा है, जो जो वो बातें कर रहा है, उसकी उपयोगिता पे उसका प्रश्न उठेगा, अपने आप रियलाइजेशन का प्रश्न अपने आप उसके मन में उत्पन्न हो जाएगा। हमारे मन में अपने आप के प्रश्न उत्पन्न क्यों नहीं हो रहे कि जो बातें मन में लानी चाहिए वो बातें मन में नहीं ला पा रहे? इसलिए हमें कभी ये खरीदने की इच्छा होती है, कभी वो खरीदने की इच्छा होती है, कभी यहाँ जाने की इच्छा होती है, कभी वहां जाने की इच्छा होती है। इच्छाएं कई सारे उत्पन्न हो रही है और हर क्षण उत्पन्न हो रही है, पर इच्छाओं के, उस इच्छाओं को लेके यूटिलाइजेशन का प्रश्न उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसका एक्सक्लेमेटरी मार्क उत्पन्न नहीं हो रहा है हमारे मन में। और अगर ये क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर आपके मन में उत्पन्न नहीं हो रहा अपने एक्शन को लेके, अपने डिजायर को लेके, तो आपका जीवन बेहोशी में, तो आपके आधे पैर में, आपका गर्दन तक जो शरीर है ना, कब्र में है, और किसी भी क्षण आपका जो पूरा सर है वो भी कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और आपको लगेगा अरे मेरा जीवन कब बीत गया आपको पता भी नहीं चलेगा, और तब आपके जो डिजायर्स है वो डिजायर्स इतना बड़ा वैक्यूम आप में बना देंगे, इतना बड़ा वैक्यूम आप में बना देंगे कि वो वैक्यूम एक इतना डार्कनेस का स्थान, इतना 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 डार्क हो जाएगा कि आप क्या चीज वहां पर रखी आप खुद भी नहीं देख पाएंगे, क्या चीज मैंने की आप खुद भी नहीं जान पाएंगे। इतना बड़ा अनसेटिस्फेक्शन आपको उस पॉइंट पे फील होगा कि आपको आपका पूरा का पूरा लाइफ का एग्जिस्टेंस एक लाई लगेंगे, एक झूठ लगेगा, आपको लगेगा कि मैंने क्या पूरा जीवन मेरा बर्बाद हो गया। कभी अगर आपने कोई मेहनत से कोई काम किया होगा, कभी भी अगर कोई आपने मेहनत से कोई काम किया है, और मेहनत से वो काम करने पर अगर उस काम करने के बाद आपको ऐसा लगा कि अरे यार बर्बाद हो गया मेरा पूरा काम, बेवजह ही मैंने किया, उस अनुभूति को जरा एक बार फिर से अनुभव करने का प्रयास कीजिए। आपने एक घंटा, दो घंटा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, दस दिन लगा कोई बहुत मेहनत से काम किया, और वो काम के बाद आपको लग रहा है मैंने बेकार किया, बर्बाद गई मेरी मेहनत, वो अनुभूति कितनी बेकार होगी। पर सोचो अगर वही अनुभूति पूरा जीवन जीने के बाद पूरे जीवन को लेके आए तो कितना बेकार होगा। और ये अनुभूति, ऐसे अनुभूति अक्सर उस व्यक्ति को आएगा जिसने ये दो प्रकार के विचार समय से अपने मन में जीवित होते हुए नहीं लाए, एक मंगल कामना का और दूसरा अपने मृत्यु को। अब इसमें भी एक बार क्या हुआ कि कुछ एक समूह, कुछ भिक्षु मिलके एक जगह पे रह रहे थे, एक कुछ समय बिताने के बाद जब भगवान के पास आए, और भगवान के पास आके भगवान ने पूछा कि इतने दिन फिर तुमने किस बात का अभ्यास किया, किस बातों का मन में लाते रहे? तो लोगों ने कहा कि भगवान हमने मरणानुपश्यन अर्थात अपनी मृत्यु का बार बार ऐसा मन में लाते रहे। तो एक एक को एक एक करके भगवान ने पूछा, तो एक व्यक्ति ने कहा, जब पहले व्यक्ति को से पूछा तो पहले व्यक्ति ने कहा भगवान मैं हमेशा जब ये इतने दिन रहा तो मैं विचार करता था कि इस महीने मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है, और ऐसा ऐसा सोच के मैं अपना ये जीवन बिताता था। फिर दूसरे से व्यक्ति से पूछा तुम कैसे करते हो मरणानुपश्यन? तो बोले भगवान इस हफ्ते मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है, ऐसा विचार करके मैं अपना जीवन बिताता था शनि।
तीसरे को पूछा, तीसरे का भगवान मेरी आज तो ये दिन है पर कल क्या पता मेरी मृत्यु हो जाए, ऐसा सोच के मैं अपना दिन बिताता था। फिर चौथे को पूछा, वो कहता था कि भी तो है पर पता नहीं आज रात को मेरी मृत्यु हो जाए, कोई भरोसा नहीं। फिर पांचवे को प्रश्न पूछा तो बोले इस क्षण मैं जिंदा हूँ अगले क्षण का मुझे नहीं पता, पता नहीं मेरी किस क्षण मृत्यु हो जाए बता नहीं सकती। भगवान बुद्ध बताते बिल्कुल ठीक, कोई लोग एक महीना सोच रहा है, कोई लोग एक हफ्ता सोच रहा है, भगवान बुद्ध कहते हैं अरे यहाँ पे एक क्षण का भरोसा नहीं, जो सोचता है जो जो अगले क्षण के बारे में इसको चिंता, जो अगले क्षण में अपनी मृत्यु देखता हूँ, अपने अगले क्षण में अपने अपने मृत्यु का अपने जीवन का जिसे ठिकाना नहीं है, और जो इसी क्षण में जीता वही वैसा ही जीवन क्या है श्रेयस्कर। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जीवन जिस प्रकार एक बिजली कड़कने के बाद, अर्थात एक बिजली कड़कती है और कड़कने के बाद उसकी चमक जितने देर के लिए दिखती है उतने ही देर का बस आपका जीवन है। इतने जीवन में आप कैसे जीते हैं और कितना अच्छा जीते हैं आपके इन दो प्रश्नों पर निर्भर करता है। अगर ये दो प्रश्न आप अपने समय रहते बार बार मन में लाएंगे तो आपको ये छोटा जीवन भी बहुत लंबा लगेंगे, और जिस क्षण से आपको ऐसी अनुभूति आना शुरू हो जाए कि अरे मैंने बहुत लंबा जीवन जिया, समझ जाओ आपका जीवन अच्छे कामों में गया। तो इस प्रकार से जीवन पर ऐसा विचार कीजिए तो अवश्य आपका जीवन क्या होगा बहुत मंगल होगा, वरना जो भी कुछ है वो सब कुछ छोड़ के जानना ही है। पर ये दो बातें के कारण अपने जीवन में बहुत आध्यात्मिक समता लेके जा सकते हैं, तो प्रयास कीजिए। इतना काफी आज के लिए। साधु साधु, ठीक है, साधु साधु साधु।